Many greetings to you guys. Welcome to my channel, Royal Education. If you are new to my channel, then please subscribe to my channel and press the bell icon for further updates. Like my video and share with your friends. Let's begin. Aaj hamare paas poem The Darkling Thrush, written by Thomas Hardy. So, one question for all. What do you mean by darkling thrush? You may comment below if you knew the answer first. If you don't know, darkling thrush means darkness with end of the day. Darkness and end of the day. It is the first poem of your book Reverie. Okay, so without wasting any time, let's know about the poet first. Thomas Hardy, famous English poet hai, and novelist also. इनका जन्म हुआ था 2 जून 1840 को इन डोरसेट इंग्लैंड. इनकी फैमिली पुअर थी जिसकी वजह से वो इनको यूनिवर्सिटी की एजुकेशन भी नहीं करवा पाए थे. जब तक ये 16 इयर्स के थे उन्होंने तब तक अपनी पढ़ाई की उसके आगे की कर भी नहीं पाए बिकॉज ऑफ हिज फैमिली. 1862 में थॉमस ने आर्किटेक्ट की ट्रेनिंग ली डोरचेस्टर में. उसके बाद ये लंदन में शिफ्ट हो गए थे. हार्डे रोमांटिकिज्म से बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस हुए अपनी पोइट्रीज में. इनकी जो पोएम्स होती है उनकी फॉर्म्स होते हैं लाइक लिरिक्स, बैलेड्स, ड्रामेटिक मोनोलॉग्स, सैटरीज, ये सब होते हैं इनके पोएम्स के फॉर्म्स. ETC. ओके, सो फर्स्ट पैरा. आई लीन्ड अपॉन अ कॉपिक गेट विथ फ्रॉस्ट वॉज स्पेक्ट्रिक ग्रे एंड विंटर्स ट्रैक्स मेड डिसोलेट द वीकनिंग आई ऑफ डे. The tangled pine stems scored the sky like strings of broken wires, and all mankind that haunted nigh had sought their household fires. Okay, so in this para, the poet says कि मैं एक वुडन गेट से लग के थोड़ा सा झुक के खड़ा हुआ था. एक वुडन गेट से मैं लग के खड़ा हुआ था थोड़ा सा झुक के और बाहर का सीन देख रहा था. ये जो पोएम है उन्होंने इसको एंड ऑफ द सेंचुरी में लिखा है. एंड ऑफ द 19th सेंचुरी में उन्होंने इस पोएम को लिखा था. फ्रॉस्ट क्या होती है? लेयर थिन ऑफ स्नो, थिन लेयर ऑफ स्नो. फ्रॉस्ट जो थी वैसा लग रहा था घोस्ट की तरह अपीयर हो रही थी. ये जो लास्ट पार्ट था विंटर का, मतलब कि विंटर ख़त्म होने वाला था, इसने पूरा सीन ग्लूमी एंड डिसोलेट, सब लोग उदास, ऐसा लग रहा था सब कुछ बचा ही नहीं है, सब कुछ ख़त्म हो चुका है. इस विंटर ने सारा सीन ग्लूमी एंड डिसोलेट कर दिया था. सब लोग उदास थे एंड किसी को कोई होप नहीं थी. लाइक एवरीथिंग गोइंग टू फिनिश नाउ. जो सन की लाइट थी वो जल्दी जल्दी फेड हुए जा रही थी. ठंड के और डार्कनेस के कारण विंटर्स में जल्दी अंधेरा हो जाता है. सो ड्यू टू कोल्डनेस एंड डार्कनेस सारे ह्यूमन बींग्स अपने अपने घर चले गए थे फायर के साइड पे बैठ के और ख़ुद को वार्म करने के लिए. एक्सेप्ट द पोइट सारे लोग अपने अपने घर चले गए थे ड्यू टू कोल्डनेस एंड डार्कनेस ऑफ विंटर. एक्सेप्ट द पोइट अपने आप को गर्म करने के लिए फायर के साइड पे बैठने के लिए. नाउ द नेक्स्ट पैरा. The land's sharp features seem to be the century's corpse outlined. His corrupt the cloudy canope, the wind its death lament, the ancient pulse of germ and birth was shrunken hard and dry, and every spirit upon earth seemed favorless as I. Okay, so in this the poet says, as I told you before, इन्होंने ये 19th century के end में लिखी थी. तो बोल रहे हैं कि ऐसा लग रहा है कि ये लैंड जो है डेड बॉडी है एंड इसका फ्यूनरल तैयार हो रहा है. यहाँ पे ऊपर जो क्लाउड्स हैं स्काई में वो डेड बॉडी का टॉम सर्व कर रहे हैं. मतलब ऐसा लग रहा है कि वो डेड बॉडी के लिए एक टॉम है सारे के सारे क्लाउड्स. एंड जो विंड चल रही है ऐसा लग रहा है वो फ्यूनरल सॉन्ग आ रही है. मतलब वो सब कुछ ऐसा इमेजिन कर रहे हैं कि ये डेड बॉडी है. 19th सेंचुरी ख़त्म हो गया है सब कुछ. अब कुछ किसी के पास कुछ होप ही नहीं है. सब डार्कनेस है, बस कुछ होप नहीं है किसी के पास. एंड 19th सेंचुरी ये डेड बॉडी है. ऊपर जो क्लाउड्स हैं वो एज अ टॉम सर्व कर रहे हैं डेड बॉडी को, ढका हुआ है
डेड बॉडी को, जो हवाएं चल रही है वो फ्यूनरल सॉन्ग गा रही है, ऐसे इमेजिन किया उन्होंने। ओइंग टू एक्सट्रीम कोल्ड द रिथम ऑफ कंसेप्शन एंड बर्थ हैव शोड डाउन कंसिडरेबली एवरीबडी। अब इस बार बोलते हैं एवरीबडी इंक्लूडिंग माई सेल्फ, इस बार मैं भी, सब लोग इंक्लूडिंग माई सेल्फ सीम टू बी डिवॉइड ऑफ जेस्ट एंड इंथुजियाज्म। ऐसा लग रहा है जेस्ट इंथुजियाज्म उत्साह किसी में बचा ही नहीं है, हम सब में ख़त्म हो चुके हैं, हम सब उदास हैं, किसी में कुछ होप ही नहीं बची है, सारा उत्साह हमारा ख़त्म हो चुका है। नाउ नेक्स्ट, एट वंस अ वॉइस अरोज अमंग द ब्लीक ट्विंग्स ओवरहेड इन अ फुल हार्टेड इवन सॉन्ग ऑफ जॉय इनलिमिटेड। एन एजेड थ्रश फ्रेल गॉन्च एंड स्मॉल इन ब्लास्ट बिरफल्ड प्लूम हैड चूजन दस टू फ्लिंग हिज सोल अपॉन द ग्रोइंग ग्लूम। अब अचानक से पोएट को एक चीयरफुल वॉइस सुनाई देती है, जहाँ पे वो खड़े हुए थे वुडन गेट से लग के, वहाँ पे एक पेड़ होगा ऊपर, तो वहाँ से उनको एकदम से एक चीयरफुल वॉइस सुनाई देती है ओवरहेड। वो देखते हैं वो एकदम जो सॉन्ग चल रहा है वो एंडलेस जॉय है। फिर वो देखते हैं एक वीक ओल्ड थ्रश है जिसके प्लम्स स्टॉर्म के वजह से पूरे ख़राब हो चुके हैं और वो जल्दी ही मर जाएंगे। अब वो देखते हैं कि ऊपर जो मेरे आवाज़ सुन रहा था वो एक बर्ड है, वो सॉन्ग आ रही है जो है एंडलेस जॉय। एक थ्रश है जिसके प्लम्स एक स्टॉर्म आने के वजह से बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर हो गए हैं, लेकिन येट अब देखो किसी के भी मन में कुछ होप नहीं है, डार्कनेस है पूरे में, एंड ऑफ द डे है, किसी के मन में कुछ होप नहीं है, सब सोच रहे हैं बस सब एवरीथिंग एंड। लेकिन येट उसने इतने ग्रोइंग ग्लूम में भी, इतने दुखद इतने उदास दिन में भी उस थ्रश ने उदासी नहीं, उसने ये रास्ता चूज़ किया कि मैं ऐसे में भी एक चेयरफुली गाना गाऊँगा। येट इट चूज टू पोर आउट इट हर्ट चेयरफुली इन द मिडस्ट ऑफ ग्रोइंग ग्लूम। नाउ द लास्ट, सो लिटिल कॉज फॉर करॉलिंग्स ऑफ सच स्केच साउंड वॉज रिटन ऑन टेरेस्ट्रियल थिंग्स अफार और नाई अराउंड डेट आई कुड थिंक दियर टेम्बल थ्रू His happy good night cheer, some blessed hope thereof he knew and I was unaware. In this the poet says, अब यहाँ पे होप का जॉय का कोई भी साइन मेरे को दिखाई नहीं दे रहा है। To give any cause to the bird to sing, ये जो बर्ड है किस खुशी में गाना गा रही है पोइट को खुद समझ नहीं आ रहा है, ना यहाँ पे कोई हमारी होप है अब, ना हमें कोई जॉय है, ना हमें कोई खुशी है, ना कोई होप बचा हमारे लिए, लेकिन बट ये गाना किस खुशी में गाएगी अब या फिर गा रही है, उसको उसका कॉज ही समझ नहीं आया बट के गाना गाने का। वो कहते हैं यहाँ पे अर्थ के ना पास में ना दूर में, देयर वॉज नथिंग ऑन द अर्थ नियर और अफार वी कुछ मेड द थ्रश सिंग सो डिलाइटफुली। वो इतना अच्छे से गा रही है इतने उदासी भरे दिन में भी, अब मैं सोचता हूँ कि अर्थ के ना पास में ना दूर में ऐसा कुछ भी नहीं है जो उस थ्रश को इतना डिलाइटफुली सिंग करने को अप्रोच करे, देयर इज़ नथिंग। अब वो कहते हैं देयर माइट बी इन द बर्ड्स हार्ट सम होप ऑफ गुड फॉर्चून अबाउट विच आई हैड नो नॉलेज। होगा भी तो बर्ड के हाथ में मे भी कुछ होप बचा हो अभी तक कि आगे हमको गुड फॉर्चून देखने को मिले, इसके बारे में मेरे को नहीं पता, इसके बारे में मेरे को कुछ नॉलेज नहीं है, आई डोंट नो एनीथिंग। क्योंकि पोएट तो सोचते हैं कि अर्थ के ना पास में ना दूर में ऐसा कुछ भी नहीं है जो उस बर्ड को अप्रोच करे इतना डिलाइटफुली गाने के लिए, लेकिन मे भी हो सकता है कि बर्ड के हार्ट में अभी भी कुछ होप हो गुड फॉर्चून के, जिस वजह से वो गा रही है एंड इसके वजह मेरे को कोई नॉलेज है नहीं। नाउ द थीम ऑफ द पोएम, हार्डे ने ये पोएम लिखी थी एट द एंड ऑफ 19th century। ही बिल्ड्स अप द एटमॉस्फेयर ऑफ ग्लूम एंड डिसोलेशन, हर जगह उदासी है, सब कुछ ख़त्म हो चुका है। ये जो विंटर का लैंडस्केप उसने दिखाया है वो दिखा रहा है कि होप्स एंड प्रॉमिस अब कुछ भी नहीं है। ये जो कोल्डनेस उसने दिखाई है अपनी पोएम में, डार्कनेस ये फोर्स करती है ह्यूमन बींग्स को अपने घर जाने के लिए एंड फायर साइड पर बैठ के खुद को ईट करने के लिए।
ये जो डार्कलिंग थ्रश है ये एक लिटिल बर्ड के बारे में है जो इस दुनिया में बस चुकी है, कोई होप नहीं है उसके लिए बाहर, बहुत ही ज़्यादा ग्लूमी है इन द सेटिंग सन, इट इज़ कोल्ड एंड ऑफुल। दिस पोएम में सर्व एज अ लेसन टू दोज हु लाइन द स्पीकर गेट ईजली ओवर पावर्ड बाई द होपलेसनेस एंड डिसोल्यूशन। ये उन लोगों के लिए एक लेसन है जो लोग बहुत ही जल्दी से इस बात को मान लेते हैं कि अब हमारे लिए कुछ भी होप नहीं बचा है, सब कुछ ख़त्म हो चुका है, देयर इज़ नथिंग लेफ्ट फॉर अस। बहुत जल्दी जो लोग इस बात पे विश्वास कर लेते हैं, ये नहीं सोचते कि इसका सॉल्यूशन अभी भी निकल के आ सकता है हमारे लिए अगर हम उस पर ट्राई करें, लेकिन वो सॉल्यूशन को देखने के बजाय इस बात पे ज़्यादा फोकस करते हैं कि अब तो कुछ बचा ही नहीं है, सब कुछ एंड हो गया। तो ये उन लोगों के लिए लेसन है इस पोएम में। दिस पोएम में सर्व एज अ लेसन टू दोज हु लाइन द स्पीकर गेट ईजली ओवर पावर्ड बाई द होपलेसनेस एंड डिसोल्यूशन, कि अब कुछ होप नहीं बची एंड एवरीथिंग एंड्स। सो इफ़ यू लाइक दिस पोएम प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स, गिव्स अ थम्स अप।